डॉक्टर का नाम पता चला मुझे, डॉक्टर से फोन में बात किया, 3 महीना का पहले दवाई दिया, अभी आराम मिला अच्छे से, तकलीफ नहीं है अभी, इसलिए आपके डॉक्टर का मिलने के लिए इतना दूर आया, अभी डॉक्टर के पास बैठा हूँ, अभी खाएंगा इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर का बहुत भरोसा करने का। दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी, आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द होम्योपैथी इंदौर। द होम्योपैथी आर रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक क्लिनिक माणिक बाग रोड इंदौर। मैं पिछले 12 वर्षों से द होम्योपैथी में एक न्यू कॉन्सेप्ट पर आधारित मेडिसिन पर काम करता हूं, जो कि रिसर्च बेस्ड मेडिसिन होती है, जिन्हें ऑटोबायोटिक और हीमोडायनेमिक मेडिसिन कहते हैं। ये दवाइयाँ और कैंसर जैसे अनेक असाध्य रोगों में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ये दवाइयाँ एज ए प्रिवेंटिव और एज ए क्यूरेटिव बहुत अच्छा काम करती है। इन्हें हम होम्योपैथी की लेटेस्ट और हाईएस्ट पावर में पोटेंडाइज करते हैं और उन्हें पेशेंट को ओरली देते हैं लेने के लिए। ये दवाइयाँ बिना साइड इफेक्ट के किसी भी बड़े रोग को ठीक करने में सक्षम होती है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार लोगों को मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे रिजल्ट्स के बारे में बताता रहता हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं होम्योपैथी के, या युग है कि जो हमारे लिए माइलस्टोन्स है। इन केसेस को सिर्फ हम इसलिए शेयर करते हैं, हम इसलिए बताते हैं कि लोगों को ये पता चले कि होम्योपैथी कितनी सक्षम है। होम्योपैथी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि धीरे से काम करती है, या कई लोगों को तो यही मालूम नहीं होता कि होम्योपैथी भी किसी बड़े रोग में काम में आती है। पर लगातार हम इसी प्रयास में हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हैं कि होम्योपैथी के प्रति रुझान बढ़े। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको मुंह का कैंसर था और डॉक्टर ने सर्जरी का और बहुत सारी चीज़ों का बोला था, पर उन्होंने होम्योपैथी पर विश्वास किया और हमारी दवाइयाँ चालू की। हमने कुछ ही समय में उनके मुंह की कठिनाई को काफ़ी हद तक कम कर दिया, उनकी दर्द तकलीफों को कम किया, साथ ही उनकी शुगर को कंट्रोल किया और उनकी किडनियों को भी बचाया है। उन्होंने होम्योपैथी से प्रभावित होकर अपने एक परिजन को, जिनको रेक्टल कैंसर था, मतलब गुदा द्वार का कैंसर था, उनको जब पता चला कि गुदा द्वार का कैंसर है, वो काफ़ी चिंता में आ गए। डॉक्टर्स ने उनको बोला कि ऑपरेशन ही एक उपाय है, इसके साथ ही बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट को जब द होम्योपैथी के बारे में और हमारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, उन्होंने द होम्योपैथी पर विश्वास करते हुए हमसे दवाइयां चालू की और कुछ ही समय में उनकी जो दर्द तकलीफ थी, जो उनको जलन होती थी, जो उनको बार बार फ्रेश होने में तकलीफ होती थी, वो उनकी खत्म हो गई है और लगभग 3 महीने से इलाज चल रहा है। आज वो लगभग पूरी तरीके से स्वस्थ है। इनका नाम है मिस्टर रहमान, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और वो सिर्फ आज हमसे इसलिए मिलने आए हैं कि वो हमारे ट्रीटमेंट में बहुत खुश हैं, उनकी तकलीफें कम हो गई हैं। आप खुद ही देखिए उनके चेहरे की खुशी। मेरा नाम हबीब रहमान है, मैं साउथ इंडिया चेन्नई तिरुवारूर डिस्ट्रिक्ट में। मैं बहुत मुझे 6 महीने का पहले तो ये पता चला ये मेरा रेक्टल कैंसर, डॉक्टर के पास उधर किया था, उधर बहुत मेडिसिन भी बहुत है, फिर भी बोलते हैं बहुत ऑपरेशन करने का, फिर भी बहुत तकलीफ होएगा, पैसा भी बहुत खर्चा होएगा करके बोला। डॉक्टर का नाम पता चला मुझे, डॉक्टर से फोन में बात किया, 3 महीना का पहले दवाई दिया, फिर 3 महीना का दवाई दिया, अभी आराम मिला अच्छे से, अभी ठीक हूँ मैं, थोड़ा पहले से अभी अच्छे से तकलीफ नहीं है अभी, इसलिए आपके डॉक्टर का मिलने के लिए इतना दूर आया, अभी डॉक्टर के पास बैठा हूँ, डॉक्टर और 3 महीने के लिए डॉक्टर दवाई देने का दे रहा है, और भी खाएंगा इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर का बहुत भरोसा करने का बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत कुछ इनका हंसता हुआ चेहरा, इनका पॉजिटिव एटीट्यूड, इनकी खुशी। सोचिए, जब व्यक्ति को ये बोला गया कि सिर्फ आप ऑपरेशन ही आपके लिए एक उपाय है और आप बिना ऑपरेशन के सिर्फ गोली दवाइयों से, और वो भी दवाइयाँ गोलियाँ ऐसी जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनसे आप ठीक होते हैं, तो आपके जीवन में इतना पॉजिटिव इफेक्ट आता है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है होम्योपैथी का, तो सबसे पहले तो हमें उसको ये समझाना पड़ता है कि होम्योपैथी काम कैसे करती है, होम्योपैथी कैसे किसी बड़े रोग को ठीक करने में सक्षम है। आप भी इन चीज़ों को समझिए, होम्योपैथी के लिए जागरूक होइए, होम्योपैथी को समझिए, और ऐसे ही जैसे कि हमारे एक पुराने पेशेंट ने, जो कि जिनको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी, उन्होंने दूसरे पेशेंट को भेजा,
वो भी जागरूक हुआ है और उम्मीद है कि आप भी यदि किसी ऐसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित ही हम होम्योपैथी से उसको ठीक करने की और उसको हमेशा के लिए ठीक करने की कोशिश करेंगे।